सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष। आज मैं आप लोगों के साथ में एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर करने जा रहा हूँ दी ऑल न्यू 2020 किया सोनेट जीटी लाइन का। तो इस वेरिएंट में आप लोगों को क्या क्या अलग मिलता है नॉर्मल टैक लाइन वेरिएंट से, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में। ये गाड़ी मेरे साथ में यहाँ पर खड़ी है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी दिखने में कैसी है, क्या क्या फीचर्स से लेस है और चलने में कैसी है। तो चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं। की मेरे सामने है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप का हॉर्न जो है वो सुनाई में आता है, और गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं वो ODRLs वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि आप गाड़ी को अच्छी तरीके से सर्च कर पाएँ अगर आप कहीं अंधेरे में खड़े हैं तो। उसी के बाद में आपको होल्ड फीचर दिया हुआ है, आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, और बूट रिलीज करने का भी स्विच दिया हुआ है। तो आप चलते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ अलग मिलता है नॉर्मल टैकलाइन वेरियंट से। तो जो लाइट्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली सेम असेंबली में प्लेस की हुई है। आपको हर्ट बीट शेप में ये LED हेडलैम्प्स मिलती है LED DRLs के साथ में। नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, येलो कलर के मिलते हैं। ये अगर LED में होते तो थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते। एंड अभी आप लोगों ने देखा, मैंने गाड़ी को अनलॉक करा था और मैंने थोड़ी देर तक गेट्स ओपन नहीं करे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है लॉक हो गई और जो ORVMs हैं वो उसके क्लोज हो गए हैं। बाकी रेड कलर की ये इंसर्ट्स मिलती हैं जो कि अच्छी लगती है देखने में। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इस GT लाइन में, और यहाँ पर देख सकते हैं GT लाइन, और ये पियानो ब्लैक फिनिश जो दी गई है टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल, उसमें भी रेड कलर की कुछ इंसर्ट्स दी गई हैं। तो जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी हेवी लगता है, मस्कुलर लगता है, और जो बोनेट है अगर आप यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे ये ऊपर को जाता हुआ दिखता है, स्वैप्ड अप बोनेट जो इसको आप बोल सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, ख़राब रास्तों पर भी आप इसे आराम से लेके जा सकते हैं। साथ में अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में देख सकते हैं रेड कलर के यहाँ पे ब्रेक क्लिपर्स दिए हुए हैं, अपोलो का टायर लगा हुआ है, 250/60R16 टायर हैं, एंड ये जो अलॉय व्हील्स हैं इनकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, और व्हील आर्चेस आप देख सकते हैं, बॉडी क्लेडिंग वगैरह जो है पूरी थ्रू आउट 360 डिग्री भी आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर। साथ में साइड में भी जो है रेड कलर का थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट सेंसर्स यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है, वैसे ही आपको ORVM मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोम सराउंड्स मिलती है, कंप्लीट नहीं मिलती है, सिर्फ नीचे ये क्रोम स्ट्रिप मिलती है विंडो के आसपास। विंडो एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है वो अंदर चल के देखेंगे। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में ये थोड़ा सा मैट फिनिश में ये बी पिलर दिया हुआ है, ऊपर रूफ रेल्स एंड सनरूफ जो है वो माउंट किया हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रूफ़ है वो कंप्लीट ब्लू कलर की ही दी गई है। ये दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लगती है, मतलब अगर आप इसको पास में देखेंगे छोटी सी है, मस्कुलर सी लगती है, छोटी SUV काइंड ऑफ लुक जो है इसको लगता है, मतलब है तो कॉम्पैक्ट SUV बोलते हैं पर ये क्रॉस ओवरिश नहीं लगती है। इसको जो है लुक इसका थोड़ा सा SUV या बोल सकते हैं मस्कुलर स्टैंड जो है इसको वो मिलता है। रियर की अगर बात करें तो काफ़ी भरा भरा या बोल सकते हैं कि बहुत सारे फीचरिस्टिक जो है रियर डिज़ाइन इसमें दिया गया है। सबसे ज़्यादा तो ये आप देख सकते हैं रियर डिफ्यूज़र काइंड ऑफ रियर स्कीड प्लेट दी गई है, उसके ऊपर रेड कलर की इंसर्ट्स दी हुई है, पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को जो है रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, टर्बो GDI की बैजिंग, GT लाइन की बैजिंग, किया का लोगो, यहाँ पर सोनेट की बैजिंग, और ये सोनेट जो लिखा हुआ है ये जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं ये नो डाउट बहुत ही अच्छे और वाइल्डी जो है लगते हैं। रियर डिफॉगर, यहाँ पर वाइपर, वॉशर, स्टॉप लैंप माउंट किया हुआ है स्पॉइलर पे, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का जो है ये रियर लुक मिलता है किया सोनेट GT लाइन को, और ये दिखने में अच्छा है। इसकी जो ट्रैक साइज़ है वो काफ़ी अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है इस गाड़ी की स्टेबिलिटी को जब आप ड्राइव करते हैं फास्ट स्पीड पे। और एक चीज़ थोड़ी सी, मतलब अभी मेरी हाइट जो है ये आप देख सकते हैं 5.10 है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकना पड़ता है, और यहाँ पर ये जो सेंसर दिया हुआ है रिक्वेस्ट सेंसर, उसकी मदद से मैं इस बूट को एक्सेस कर सकता हूँ। बूट एक्सेस करना काफ़ी आसान है, 392 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, कई सारा ये शूटिंग का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्नैक्स जो हैं किया ने दिए हैं, एंड पार्शल शेल्फ जो है वो यहाँ पर दी हुई है। अभी इसको क्लोज करना वो भी काफ़ी आसान है, इसको आप सिर्फ नीचे करना है। एक सेकेंड, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो इसका स्पेयर व्हील है वो है 195/55R15, तो और स्टील रिम्स है अगेन, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ये बूट लाइट भी दी हुई है, स्पीकर एक यहाँ पर भी दिया हुआ है, 7 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें। तो अब इसको कर देते हैं बंद, ओके, आ जाते हैं रियर सीट पे। गेट काफ़ी वाइड ओपन होता है, अंदर बैठना आसान है या नहीं वो आपको बताता हूँ अच्छे से। ओके, अंदर आ गया हूँ मैं, एंड स्पेस तो काफ़ी अच्छी मिल रही है, सीट मैंने पूरी पीछे करी हुई है। बाहर आ गया हूँ मैं वापस से,
तो एक चीज़ है, ये जो एरिया है थोड़ा सा टच होता है बाहर आने में और अंदर जाने में, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो एक डिसेंट है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो उससे ज़्यादा अपन जो है इंक्रीज एग्रीज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बट जो है वो सही है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है उतरने चढ़ने की आदत हो जाएगी, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा टच होता है, ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेड यहाँ पर जो है आपका नहीं लगेगा अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो। अब जो अच्छा और मिलता है, रेड कलर की स्टिचिंग्स और सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल जो है ये प्लास्टिक मटेरियल ही यूज़ करा है सभी जगह, बट ये हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे ये स्क्रैचेस आए हुए हैं थोड़े से। पावर विंडोज़ के बटन एंड ये दिया हुआ है डोर हैंडल्स, इसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, एंड ये एलिमेंट्स और थोड़ा सा इसको कंटिन्यूएशन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, बैठते हैं, सीट्स आपको दिखा देता हूँ। पूरी ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है रेड कलर की स्टिचिंग्स के साथ में, जो कि आपको सभी जगह दिखाई देगी, एंड ये काफ़ी प्रीमियम लगती है और स्पोर्टी कैरेक्टर ऐड करती है। ये आप देख सकते हैं, हेड रेस्ट आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 4 लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, 3rd पैसेंजर बिठा सकते हैं, बट शोल्डर रूम उसके लिए थोड़ा सा कम है, बट रियर हम्प जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 5वां जो पर्सन है या 5th पैसेंजर जो है, अगर वो बच्चा हुआ 11-12 साल का, तो वो यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत जो है वो आएगी नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, पीछे पार्शल शेल्फ जो है वो काफ़ी बड़ी है, आराम से आप अपनी मैगजीन वगैरह जो आप रखना चाहें, स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, और एंड यहाँ पर भी मैगजीन होल्डर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो सोनेट में आप बैठ के आराम से मैगजीन जो है रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो आएगी नहीं आपको। ये देख सकते हैं हेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा खासा हेडरूम दिया हुआ है, बिकॉज़ जो रूफ़ है वो स्कूप्ड आउट है, यहाँ पे लाइट्स दी हुई हैं, एंड यहाँ देख सकते हैं ये हैंडल्स दिए हुए हैं, डोर हैंडल्स, यहाँ पर कोट हुक दिया हुआ है, इस तरफ जो है कोट हुक नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलता है, एंड ये काफ़ी सॉफ्टली क्लोज हो रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि डैशबोर्ड जो है वहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। ये जो है रिक्वेस्ट सेंसर बटन यहाँ पर मिलता है, एंड आ जाते हैं आगे तो अगेन वापस रेड कलर की स्टिचिंग्स, एंड यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नीचे बॉटल होल्डर जो कि 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर प्लेस है, एंड यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर भी माउंट किया हुआ है। ट्वीटर्स की प्लेसिंग, स्पीकर्स की प्लेसिंग, एंड सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती ही है, ऑफकोर्स कूल्ड सीट यहाँ पर मिलती है फ्रंट में, ये सीट जो है वो काफ़ी अच्छी है, ग्रैब करके आपको रखती है, और अगर आपकी विड्थ और हाइट वगैरह भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से यहाँ पर बैठ पाएंगे, और ये काफ़ी सपोर्टेबल जो है सीट आपको यहाँ पे ऑफर करती है सोनेट GT लाइन में। मेटेलिक पेडल्स दिए गए हैं, डैक पेडल भी दिया हुआ है, और इंजन भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर कोई इंसुलेशन प्लेट वगैरह नहीं मिलती है, टर्बो GDI की बैजिंग मिल जाती है, ये 1 लीटर टर्बो GDI इंजन, जिसकी प्लेसिंग ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन नहीं लगता है, वायर्स वगैरह जो है एकदम बाहर है, और इधर जो है स्पेस थोड़ी सी मिलती है। ABS यूनिट यहाँ पर माउंट की गई है, और बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एमरॉन की बैटरी यहाँ पर दी गई है, बाकी फ्लूइड्स वगैरह इधर ही दिए गए हैं। तो चलते हैं इसको क्लोज करते हैं, थर्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब मैं आ जाता हूँ अंदर, यहाँ से आपको बताता हूँ, तो पार्किंग का अगर आप फ्रंट पार्किंग को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर्स दिए हुए हैं। तो गाड़ी को जो है मैं ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें बता पाऊँ अच्छे से। तो अब गाड़ी को जो है मैंने ऑन कर लिया है, रेड कलर की स्टिचिंग्स जो है आप लोगों को यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे मिलती है, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कई सारे फीचर्स हैं, 57 फीचर्स हैं, लिस्ट में आप लोगों को अगर बताने जाऊँगा तो आधा एक घंटे की और वीडियो बन जाएगी, वो आप पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट indiantalk.com पे। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये तो काफ़ी इजी है रीड करना, यहाँ पर एनालॉग में ही आपको RPM मीटर मिलते हैं, इधर फ्यूल गेज मिल जाता है, नीचे टेम्परेचर लाइट मिलती है, जो बीच में MID है उसको अगर आपको टॉगल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, एंड इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी बड़े कमाल के हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको बताता ही है, साथ ही साथ आप लोगों को नेविगेशन, कंपास और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी मिलता है, और कौन से मोड में है गाड़ी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर बताता है जो कि डिजिटल में दिया हुआ है, और नीचे सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग और यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह लिया हुआ है तो वो दिखते हैं। राइट साइड में अगर बात करें तो इंडिकेटर्स और लाइटिंग के फीचर्स दिए गए हैं, इस तरफ जो है वाइपर्स के फीचर्स दिए हुए हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें तो ऑल ब्लैक सेंटर कंसोल है, बाकी हार्ड प्लास्टिक ही दिया हुआ है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी और जो डिज़ाइन दी है, फिट एंड फिनिश है, वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, AC वेंट्स के आसपास भी ये पियानो ब्लैक फिनिश, और इनमें भी बारीक बारीक जो है ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है वो अच्छा लगता है, और कुछ ना कुछ अलग करा है सेगमेंट में, ऐसा कुछ अभी देखा नहीं गया था, और ये पूरा जो पैनल है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
अगेन यहाँ पर जो एसी के बटन हैं वो काफ़ी बेसिक लगते हैं कि यार कि ये क्या, मतलब बिल्कुल सोबर से दे दिया, अभी थोड़ा सा हाईटेक जमाना आ गया है। बट एक छोटी सी स्क्रीन यहाँ पर मिलती है और ये चीज़ जब मैं गाड़ी चलाने लगा तो मुझे फील हुआ कि इसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। बड़े बड़े बटन दिए हैं, आराम से आप चलाते चलाते गाड़ी को बटन को जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको जो है DRVM का फीचर दिया हुआ है, कूल्ड सीट है तो यहाँ से आप सीट जो है वो कोल्ड कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है, इसमें 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड, 3 ड्राइव मोड जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल मोड मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल में स्नो, मड एंड सैंड मोड जो है वो दिया गया है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप फ़ोन रख सकते हैं, नीचे अगेन यहाँ पर फ़ोन रखने का दिया हुआ है, 12 वॉट का पावर आउटलेट, USB और यहाँ पर अगेन एक चार्जिंग पोर्ट दी गई है। 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक एंड यहाँ पर पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि एक एयर प्योरीफायर भी है और AC वेंट्स भी दिए हुए हैं। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, इसके नीचे जो है देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है और ये जो है वायरस मतलब हटाता है, वायरस प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ जो है एडवांस एयर प्यूरीफायर है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स है अगेन, बट यहाँ पर कोई लाइट वगैरह जो है वो नहीं दी हुई है। सीट की जो कुशनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है और आराम से आप कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को कार्ड होल्डर मिलता है, इधर की साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट कोई वैनिटी लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर जिसमें मेरा सनग्लास पड़ा हुआ है, यहाँ से आप सनरूफ को जो है ओपन कर सकते हैं एंड काइंड ऑफ एक प्रॉपर नॉर्मल साइज़ का सनरूफ यहाँ पर दिया है कंपनी ने। यहाँ से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहीं से अगर आप लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ की लाइट चालू होती है और पीछे की भी लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। शेड जो है वो मैन्युअली आपको लगाना पड़ेगा। शेड की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है तो गाड़ी गर्म नहीं होती है जब आप इस शेड को लगाते हैं, तो कई बार शेड जो है वो बहुत ही पतले होते हैं तो उससे गाड़ी गर्म होती रहती है, तो वो इशू यहाँ पर नहीं आता है। AC की जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी चलाते हुए मैं और आप लोगों से बात करता हूँ। IRVM की साइज़ जो है वो बहुत ही अच्छी दी हुई है, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक जो हेडलैम्प वगैरह हैं वो सभी इसके अंदर मिले जाते हैं। सो गाइज ये था गाड़ी का इंटीरियर, चलते हैं और चला के देखते हैं 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में इस किया सोनेट GT लाइन को कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, तो चलिए चलाते हैं। सो गाइस चलते हैं और चला के देखते हैं किया सोनेट 7 स्पीड DCT को कि इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है एंड हियर वी गो। अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग करना चाहते हैं तो इसके जब गियर्स चेंज होते हैं वो आपको पता भी नहीं चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पता चलना स्टार्ट होता है बट आपको फील नहीं होता है। ये चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप 7 स्पीड DCT को चलाना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप लोगों को मैनुअल कंट्रोल लेना है इस गियर बॉक्स का तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको शिफ्ट कर देना है मैनुअल शिफ्टर्स पे और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको मैनुअली ड्राइव कर पाएंगे। बट यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स जो है वो नहीं दिए गए हैं, अगर ये होते तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ट्रैफिक में अगर आप चल रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, आराम से आप लोगों को जो है ब्रेक के अकॉर्डिंगली क्रीप फंक्शन को यूज़ करते हुए इस गाड़ी को चलाते रहना है। जितनी स्पीड में चलाना चाहें उतनी स्पीड में आप चला सकते हैं। मैनुअली आप सेकंड गियर लगा दीजिए तो क्रीप फंक्शन की स्पीड जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं मैनेज। विजिबिलिटी का कोई इशू आता नहीं है, मैंने ट्रैफिक में, हाईवे पे, ख़राब रास्तों में, काइंड ऑफ सभी टेरेंस पे जो है इसको थोड़ा बहुत चला के देखा है। ज़्यादा तो मैंने नहीं चलाया है बट जितना चलाया है उसमें मेरे को कोई ए पिलर वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं आया एज एन सच, या कोई ऐसी फील नहीं हुआ कि यार हाँ दिक्कत ज़्यादा आ रही है या कहीं लेके जाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर फील नहीं होती है। अब बात करते हैं कंफर्ट की, तो फ्रंट सीट जो है वो नो डाउट बहुत ही अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, उनमें कोई इशू नहीं है आपकी। अगर हाइट ज़्यादा है तो भी आप उसके अंदर बैठ पाएंगे, कोई उसके ऊपर आप आराम से बैठ पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सीट्स होल्ड करके रखती है एंड साथ ही सीट हाइट जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। स्टेयरिंग जो है उसकी रीच जो है आप मैनेज नहीं कर सकते हैं बट हाइट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, तो सीट पोजीशन जो है वो काफ़ी सही रहती है, आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली जो है बैठ सकते हैं। और जिनकी हाइट कम है या जो नए ड्राइवर हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर बैठना है और बोनेट दिख जाए, तो वो भी आप लोगों के लिए मैनेजेबल है। आप सीट हाइट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें और बोनेट जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं और बात करते हैं ड्राइविंग के ऊपर, तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो स्टीफर साइड है,
पोर्टल्स में से अगर आप निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप खराब रोड देख रहे हैं, तो सस्पेंशन नॉइज अंदर केबिन में आ जाता है, चाहे आपकी स्पीड कम हो चाहे स्पीड ज्यादा हो, तो वो चीज आपको फील करती है। बट ऐसा नहीं लगता है कि यार बहुत गलत तरीके से आपने उसके अंदर से निकाल दिया है, मतलब एक अच्छी वाइब्स ही आती है कि हाँ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सेटिस्फेक्शन नॉइज आएगी। बट हाँ, वो नॉइज अंदर केबिन में आती है जो कि उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। NVH की अगर बात करें तो इंजन से रिलेटेड कोई नॉइज नहीं आती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप 3000 RPM पे क्रॉस कर चुके हैं तो उसके बाद में थोड़ा सा इंजन नॉइज आती है। बट अभी जैसे 50-60 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को, तो टायर नॉइज जो है वो हल्की सी केबिन के अंदर आती है, तो जो NVH है वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा कोई नॉइज वगैरह इसमें रहती नहीं है। हार्शनेस बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं है इस इंजन में, बट हाँ कुछ सडन पीक पे जाने के बाद में हार्शनेस थोड़ी सी आपको फील होती है, बट उसको कोई आप ये प्रॉब्लम की तरफ नहीं ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ उसकी वजह से आप इस गाड़ी को इग्नोर करें, तो वो भी नहीं होती है। ORVM की विजिबिलिटी अच्छी है, काफी सही साइज है, ना ज्यादा बड़ी और छोटी भी नहीं है, बाहर से देखने में भी जो है वो सही लगते हैं, तो और यहाँ से जो व्यू है वो भी काफी अच्छा आ जाता है। एंड एक चीज अच्छी लगी मुझे यहाँ पे इसकी कि यहाँ कहीं कंट्रोल्स नहीं दिए गए, नीचे कंट्रोल दिए गए, तो आराम से यहाँ पे बैठे बैठे आप हाथ से जो है कंट्रोल्स कर सकते हैं ORVM के। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग लाइट है, सीटी ड्राइविंग की अगर बात करें तो ये काफी अच्छा लगता है, मतलब आराम से आप गाड़ी को इधर उधर मनूवर कर सकते हैं, जितना ट्रैफिक हो, बंपर टू बंपर ट्रैफिक में चल रहे हो, बार बार टर्न लेना है तो भी आप आराम से जो है टर्न ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको आती नहीं है। और हाईवे पे जब आप 100-120 कर रहे होते हैं तो आप आराम से जो है एक मतलब नॉर्मल वेट इसके अंदर गेन कर लेता है ये स्टेयरिंग, कि वेट होना भी चाहिए ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा वेट नहीं होता है जो इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियां ऑफर कर देती है, तो थोड़ा सा वेट वहां पर कम लगता है, बट वो मैनेजेबल है, बिकॉज अगर सिटी ड्राइविंग में थोड़ा सा वेट अगर रह जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अगर स्टेयरिंग मैनेज कर ली कंपनी ने, तो फिर आपको चलाने में प्रॉब्लम आएगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब हाईवे पे चलते हैं तो आपको सीधे चलना होता है, कहीं इधर उधर टर्न नहीं करना होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको ड्राइविंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड मिलते हैं, तो ट्रैक्शन में आपको स्नो मर्ड सैंड मिल जाता है, एंड आपको इको स्पोर्ट और नॉर्मल मोड मिलता है, तो वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। और उससे कोई सस्पेंशन या स्टेयरिंग वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट हाँ पावर फिगर जो है वो डिलीवरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गियरबॉक्स की अगर बात करें तो ये फ्रुगल है, मतलब चलाने में अच्छा लगता है, पंची परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है, बट हल्का सा लैग फील होता है। अगर एकदम से आपको पावर चाहिए और जैसे मैंने प्रेस करा तो एक सेकेंड इसको लगता है समझने में, या ये कभी ये सोच लेता है, या माइट पॉसिबल इसको इसकी ट्यूनिंग इस टाइप की गई है कि हाँ कभी गलती से एकदम से कोई प्रेस नहीं करते पैडल, तो वो एक सेकंड के लैग के बाद में आपको एकदम से पावर देता है और डाउनशिफ्ट ये जो है फटाफट से कर लेता है। तो 7-speed DCT है तो काफ़ी अच्छा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो अगेन आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और ब्रेकिंग बैट्स की बात करें तो रियर में डिस्क ब्रेक होते हैं, तो थोड़ी सी और परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी, बट इस गाड़ी के वेट के अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग जो है वो डिसेंट मैनर में रखी गई है, और जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो उससे आप यूज्ड हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। एक चीज़ की कमी मेरे को यहाँ पर महसूस हुई है, जो ये आर्म रेस्ट है ये मूवेबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, तो जो अभी जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा बस थोड़ा सा पोर्शन उसके ऊपर टिकता है, बाकी का हाथ जो है वो नीचे रह जाता है, तो मेरे को ऐसे हाथ पीछे रख के इसके ऊपर बैठना पड़ता है, और वो कई बार जो है अनकन्वीनियंस सा फील होता है। और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जिसमें आपको मैनेजेबल जो है मिल जाता है आर्मरेस्ट, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी रहती है। नीचे आपको डेड पैडल मिल जाता है, तो आप आराम से उसके ऊपर पैडल का जो है यूज़ करके डेड पैडल का पैर एक आपका फ्री रख सकते हैं, और दूसरा आप जो है यूज़ कर सकते हैं, मेटेलिक पैडल दिए हुए हैं तो वो भी थोड़े से अच्छे लगते हैं। इकोनॉमिक वाइज लास्ट में बात करूं गाड़ी को, तो वो सारी चीज़ें रीच में आती है, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पर आपको मूव करने में दिक्कत आती है, और एक यहाँ पर फिजिकल वॉल्यूम बटन नहीं दिया हुआ है। इस चीज़ की मेरे को एक डिमांड रहती है हर गाड़ी के अंदर, क्योंकि लिए जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहते हैं, और यहाँ पर आप ये टच स्क्रीन पर प्रेस करने के लिए स्विच ढूंढ रहे होते हैं, तो माइट पॉसिबल कभी वो डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, या कहीं टच वच आपकी गाड़ी हो सकती है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलते हैं तो। बट नो डाउट यहाँ पर आपको ये स्विचेस मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे, बट अभी भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब साउंड ज्यादा होता है तो यहां से धीरे धीरे कम करने की जगह यहां से फिजिकल बटन से आप जो है साउंड को कम कर सकते हैं। नेविगेशन, यूवो कनेक्ट फीचर्स वगैरह 17 चीजें इसके अंदर इतनी सारी दी हुई है कि आप आई डोंट नो कि जब गाड़ी ले लेंगे तब एक महीने तक इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। एसी की जो चीलिंग है पावर वो अच्छी है, गाड़ी ठंडी हो जाती है, बट जब आप इस गाड़ी को कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो माइलेज के अकॉर्डिंगली जो है इस एसी की परफॉर्मेंस को गाड़ी को डीट्यून कर देता है, मतलब परफॉर्मेंस जो एसी की है वो थोड़ी सी गिर जाती है, और जब आप ऑन द वे होते हैं, ऑन द गो होते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगती है। अभी जैसे मैंने एसी चला रखा है
सिर्फ सेकंड नंबर पे फैन की स्पीड है, तो ब्लोअर से हवा काफ़ी अच्छी आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है और जो कूलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बाकी स्टीयरिंग फील जो है वो काफ़ी अच्छा है, सारी तरफ जो है आपको एक अच्छा मटेरियल मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। रोड्स पे जब गाड़ी चलती है तो लोग इसको टर्न होकर देखते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें हैं एंड ये है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ बोलते हुए जाता हूँ आपको, यहाँ पे जो माइलेज है, मैंने तो इस गाड़ी को बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से टेस्ट करा है बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं चला रहा था, और सारी चीज़ें जानना जो मैंने आप लोगों को बताई ये सब चीज़ें मेरे को पता करनी थी। सिर्फ 7-8 घंटे के पास मतलब बोल सकते हैं मेरे पास में ये गाड़ी थी, बाकी एक रिव्यू मैं डिटेल आपको बाद में शेयर करूंगा जब इसको लॉन्ग टाइम के लिए मेरे पास में ये गाड़ी कभी आएगी तब। तो माइलेज आप लोगों को सिटी में तो अराउंड 10-12 KMPL के आसपास आपको मिलेगा इस गियरबॉक्स के साथ में, बट अगर आप अच्छे से चलाते हैं इकोनॉमिक स्पीड पे 60-80 की स्पीड मैनेज करते हैं तो माइट पॉसिबल 15 KMPL से ऊपर भी जो है आप आराम से इससे निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना माइलेज अगर आपको मैनेजेबल रहता है या आप चाहते हैं कि आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो ये इंजन आप ले सकते हैं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर दिया हुआ है, उसमें भी अगर आप चलाएंगे तो थोड़े से RPM आपको ज़्यादा मिलेंगे जब आप गियर जो हैं चेंज होंगे ऑटोमेटिक। तो ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन, अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो। मैं कास बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ कल इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।